स्पाइरल टूल कैसे काम करता है, मतलब जैसे ग्रिड जो था उसके अंदर तो ग्रिड बन रहा था जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज डिवाइड थी, इसमें सर्कल्स बनेंगे और सर्कल्स जो है एक के बाद एक छोटा होता जाएगा, फिर बड़ा होता जाएगा, फिर बड़ा होता जाएगा, इस तरह से राउंड करेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे स्पायरल टूल पर, एक तरीका तो डायरेक्टली आप उसको जैसे जैसे ड्रॉ कर देंगे तो ये स्पायरल टूल आपका इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद वही आप इसके स्ट्रोक को जो भी कलर देना चाहते हैं, उनकी विड्थ और हाइट को जैसा सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से डिसाइड करेंगे और क्लिक करके यहाँ से इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो सिंपल सा ये काम है। अब मजीद इसके अंदर अगर आपको इसके इफेक्ट्स के बारे में और टूल्स के बारे में जानना है तो क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो स्पायरल टूल भी आपको रेडियस पूछेगा आपसे, डिकेज पूछेगा आपसे और सेगमेंट पूछेगा। अब पहले हम इसके सेगमेंट को चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टाइल हम ये रख रहे हैं कि एंड इसका पॉइंट यहाँ आएगा और इसके सेगमेंट को हम बढ़ा के 15 पे करते हैं और ओके करते हैं तो ये देखें 15 सेगमेंट्स के ऊपर ये बना के आपको देगा। अब 15 सेगमेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर हम थोड़ा सा इसको गौर से करें तो ये देखें ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं ये इसके अंदर 15 होंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पर आगे जाएंगे 12, 13, 14 और अब ये शायद लास्ट में दिया हुआ 15 आई थिंक सो, हाँ हम 15 ही हैं तकरीबन, ये शायद एक जहाँ पे मैंने ज़्यादा गिन लिया, एक स्टार्ट और एक एंड है, इसके अलावा 15 पॉइंट्स बीच में। इन 15 पॉइंट्स के बीच में होने का मकसद है इन 15 पॉइंट्स को यूटिलाइज़ किया जा सकता है मुख्तलिफ मकासद के लिए, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को इस पर रख के भी ऐसे मूव कराया जा सकता है कि वो फिर इसके डायरेक्शन पर इसके ऊपर मूव करे, ठीक है ना। तो ये 15 पॉइंट्स के साथ था। फिर अगर इसको हम कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और ये सारे मामला हम इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्टाइल चेंज करना चाहें जैसे अभी 15 पॉइंट ये वाला स्टाइल लेना चाहें तो उसमें ओके करेंगे तो ये देखें पहले ये इसका उल्टा था, यानी कि वर्टिकल अगर हम करेंगे इसको फ्लिप वर्टिकल करके देखें तो ट्रांसफॉर्म में तो फिर यहाँ ऑप्शन नहीं होता, वो तो फोटोशॉप में होता है। तो अल्टर के साथ इसको मैं ऐसे करता हूँ तो पहले ये ऐसा बन रहा था, ठीक है, और अब ये इस तरह से बन रहा है, तो ये ऑप्शन कुछ इस तरह का मामला हो रहा होता है। तो दोनों आप इसके अंदर बना सकते हैं स्टाइल जैसे चाहें। उसके बाद यहाँ से क्लिक करते हैं, अब आते हैं इसके ऊपर 80% डिकेज था। अब इसके डिकेज को अगर हम कम करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 20% का डिकेज देते हैं और 15 के ऊपर वही सेम स्टाइल देते हैं तो ओके करेंगे तो ये इसके अंदर कम हो गया काम, इसका यहीं तक आके ये रुक गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करके इसको 20% से बढ़ा के 100% का डिकेज देते हैं ओके करते हैं तो ये सर्कल बन जाएगा, और क्लिक करेंगे इसको दोबारा से हम इसको कम करके इसको 60% पे देते हैं ओके करते हैं तो ये देखें इस तरह का बन जाएगा। और फिर अगर इस पर क्लिक करके अगर हम इसको 80% दोबारा से देते हैं तो ये जैसा था वैसा ही दिखाई देगा। तो अगर 85 हम इसको करते हैं, सपोज 85 हम इसको करते हैं ओके करते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो बीच में जो ये मामला आप देख रहे हैं ये ज़्यादा इसके अंदर और ज़्यादा राउंड होते चले जाएंगे, मतलब अगर हम 85 से इसको 90 पे करके ओके करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हुआ और यहाँ पे इस तरह से घूम गया। तो 80% पे ये बिल्कुल अपना जो सही दे रहा है कि यहाँ पे क्लिक करके और ये राउंड होता होता यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर हम इसके रेडियस की बात करें तो 222 है। अगर 300 के रेडियस पे अगर हम इसको चेक करें तो ओके करते हैं इसको यहाँ पे तो ये इस तरह का रेडियस इसने कवर किया। अगर इसका हम 400 का रेडियस पे देखते हैं तो उस पर कितना ले रहा है, ये 500 पे कितना ले रहा है, ओके करें तो रेडियस मतलब ये जो स्पेस कवर कर रहा है उस हिस्से को ये रेडियस कह रहा है। मतलब एक सर्किल का रेडियस क्या होता है, जो उसका डायामीटर का क्या होता है, हाफ होता है, हाँ डायामीटर का हाफ होता है उसका रेडियस होता है। तो जितना बड़ा रेडियस हम इसका रखवाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से हम इसके रेडियस को बता सकते हैं। तो कोई भी इस तरह का ड्राइंग अगर आपने बना के कोई हेल्प लेनी है इसके हवाले से तो ये आपके लिए एक बेहतरीन टूल है जिसमें आप इसको इस तरह से बना के कोई भी ऑब्जेक्ट को इसके सर्कुलेशन पर रखना है या इस तरह से बना के कोई इफेक्ट या स्टाइल आपने क्रिएट करना है तो ये आपको ये हेल्प करेगा जिसका नाम है स्पायरल टूल, ठीक है।